Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी श्रोताओं को नमस्कार मैं जो विषय बोलने जा रहा हूं उस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि तो ये पूरे लेक्चर सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा विधि पे हो रहे हैं इसमें कई प्रिसीडिंग लेक्चर हो चुके हैं और आज जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर फाइव है तो लेक्चर नंबर फाइव में हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो समन का प्रारूप और समन को सर्व किया जाना कैसे समन का प्रारूप क्या होगा और ये विपक्षी को कैसे सर्व किया जाएगा सिविल न्यायालय के द्वारा हम लोग इसकी बात करेंगे इसके पहले कि मैं सब्जेक्ट मैटर पे आऊँ मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ में और मेरी शिक्षा दीक्षा बनारस सिंधु विश्वविद्यालय से हुई है मैं आसाम न्यायिक सेवा सर्विसेस में जुडिशियल ऑफिसर भी था और इस समय मैं प्राध्यापन का काम करता हूं तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आप सभी लोगों को अब देखें मैं जो लेक्चर है मेरा वो समनों की प्रारूप और प्रक्रिया है लेकिन ये सब्जेक्ट है परिसीमा विधि और सिविल प्रक्रिया संगीता तो इस सब्जेक्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने चार लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है आज पांचवा लेक्चर है हमारा तो चार लेक्चर में मैंने क्या देखाया था आपको और क्या बताया था मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दू पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सीपीसी को पूरे सिविल प्रक्रिया संगीता का एक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था जो दूसरा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है सिविल प्रकृति के आवाद क्या है जिसको आप सिविल न्यायालय में लेके जाएंगे ये धारा नौ में है हम लोगों ने देखा था जो तीसरा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने धारा दस और धारा ग्यारह की बात करी थी जिसमें रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा है चौथा लेक्चर जो था वो प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के था कि कहां पे आप संस्थित करेंगे मुकदमा आप कहाँ पे इंस्टीट्यूट करेंगे कौन स्थान होगा तो इसके लिए हमारे पास धारा पंद्रह से धारा इक्कीस कैपिटल ए है जिसको हम लोगों ने देखा था और डिटेल डिस्कशन किया था इसी क्रम में पांचवा लेक्चर है और पांचवा लेक्चर का नाम है अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा समन का प्रारूप तथा प्रक्रिया तो समन का प्रारूप क्या होगा और समन की प्रक्रिया क्या होगी इसके लिए हमारे पास है धारा सत्ताइस से लेकर बत्तीस तक और आदेश पांच तो सिविल प्रक्रिया संहिता में आप देखेंगे तो ये ग्रुप ऑफ सेक्शन है से, सेक्शन ट्वेंटी सेवन टू थर्टी टू और एक आर्डर है इसमें आदेश पांच जिसको हम आर्डर फाइव भी बोलते हैं सीपीसी में तो सत्ताईस से बत्तीस और आर्डर फाइव ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेकिन इसके डिस्कशन के पहले इस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड में आप सभी लोगों को बता दूंगे क्या है बैकग्राउंड क्या है इसका समन क्या चीज है और ये कब इशू होता है और क्यों इशू होता है इसको पहले मैं बताता हूं देखिए समन क्या है समन बुलावा पत्र है बुलावा पत्र है किसको बुलावा पत्र है वह व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा दाखिल हुआ है या जो कोर्ट में गवाही देना चाहता है उसको बुलावा पत्र जाता है या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कोर्ट मंगवा सकती है आपसे तो आपको चिट्ठी भेजा जाएगा कि भाई फला फला डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट में सबमिट करना है तो आप उसके लिए बुलावा पत्र जाएगा तो इस तरीके की बातें अपोजिट पार्टी को समझ जाती है विटनेसेस को समझ जाती है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समझ जाती है क्योंकि न्यायालय में जब मुकदमा इंस्टीट्यूट हुआ है तो न्यायालय अपोजिट पक्षकार को बुलाएगा गवाहों को बुलाएगा और दस्तावेजों को मंगवाएगा इन्हीं सबों के आधार पर मामले का निस्तारण होगा तो जो लोगों को बुलाने का है उस जो जो चिट्ठी भेजते हैं उस चिट्ठी को साधारण लेटर न बोल करके कानून की भाषा में उसको हम समन बोलते हैं एस यू डबल एम ओ एन एस समन तो इसको हम बोलते हैं समन तो ये है समन का समन का छोड़ा सा इंट्रोडक्शन अब आप देखें समन किसको और कैसे इशू होता है तो पहले हम लोग सेक्शंस की बात करेंगे सेक्शन 27 से इसके बाद हम लोग आर्डर पांच की बात करेंगे जो आदेश में प्रोसीजर बताया गया प्रक्रिया बताई गई है तो सबसे पहले धाराओं में आप आइए दूसरी स्लाइड है बत्तीस छह धाराएं हैं इसमें धारा सत्ताईस बोलती है प्रतिवादियों को समन धारा अट्ठाईस बोलती है अन्य राज्यों में समन धारा उन्तीस बोलती है विदेशी समन धारा तीस बोलती है प्रकटीकरण के लिए समन धारा 31 बोलती है साक्षी को समन और धारा 32 बोलती है व्यतिक्रम के लिए क्या दंड होगा तो ये छह धाराओं में छह बातें हैं अब एक एक बात को मैं आपसे यहां पे एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले आप आइए धारा सत्ताईस में प्रतिवादियों को समन ध्यान दीजिए मैं वादी हूं मैंने सिविल राइट के वायलेशन के लिए कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जब मैंने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया तो मैं क्या करूंगा मैं प्लेंट लेकर के जाऊंगा न्यायालय में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको सी के आर्डर सेवन में प्लैंट बोलते हैं वाद पत्र बोलते हैं तो मैं वाद पत्र लेकर के जाऊंगा वाद पत्र में मैं सारा क्लेम करूंगा जो भी हमारा सिविल राइट का वायलेशन हुआ है वो सारा क्लेम मैं अपने वाद पत्र में लिख कर के ले कर जब मैं अपने वाद पत्र में मैं लिखूंगा और न्यायालय के सामने प्रस्तुत करूंगा तो न्यायालय को अपोजिट पार्टी को बुलाना है जिसके खिलाफ हम क्लेम कर रहे हैं तो न्यायालय क्या करेगी न्यायालय अपोजिट पार्टी को समन भेजेगी तो ये जो धारा 27 है वो यही बात बोल रहा है कि जब प्रतिवादी को माने अपोजिट पक्षकार को जिसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हुआ है अगर उसको न्यायालय में बुलाना है तो उसको कैसे समझ जाएगा और कब जाएगा तो धारा 27 क्या बोल रही है आज मैंने वाद पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया आज तो हमारे आज दाखिला से लेकर के तीस दिन के अंदर उसमें समय सीमा बताई गई है विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफ सूट कोर्ट को क्या करना है कोर्ट को अपोजिट पार्टी को समन भेजना है तो तीस दिन के अंदर कोर्ट अपोजिट पार्टी को समन भेज देगी चिट्ठी भेज देगी समन का मैंने आपको पहले ही बताया था समन क्या है तो अपोजिट पार्टी को समन भेज दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को जब समन भेजा जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी है कि जब समन वो अपाएगा तो वह न्यायालय में उपस्थित होगा अपने डिफेंस के साथ उपस्थित होगा या अगर प्लेंटिव के क्लेम को स्वीकार करना चाह रहा है तो स्वीकार भी कर सकता है वो उसके ऊपर है लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफ सूट विद इन डेज कोर्ट इशू समन टू विदर्टी अपोजिट पार्टी तो सीपीसी इसको जो है मैंडेट क्रिएट करती है बहुत डिले नहीं करना है आपने सूट आज इंस्टीट्यूट हो गया तो न्यायिक अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि तीस दिन के अंदर अपोजिट पक्षकार को समन भेज दे तो यह धारा सत्ताईस में लिखा हुआ है अब ध्यान दीजिए मान लीजिए जो अपोजिट पक्षकार है अगर वो कोर्ट के टेरिटरी के जोरिस्डिक्शन में रहता है मान लीजिए कानपुर सिविल कोर्ट का मामला है और वो बंदा भी कानपुर का ही रहने वाला है तब तो कोर्ट उस डायरेक्ट उसके घर पे भेज देगी समन लेकिन मान लीजिए जिस बंदा है जो पार्टी है है जिसके खिलाफ प्लेंटिव सूट फाइल किया हुआ है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है मान लीजिए वो बनारस का रहने वाला है वो गाजियाबाद का रहने वाला है तो क्या करेगी कोर्ट उसके एड्रेस पे भेज देगी माने कोर्ट के जुडिस्टिक्शन के अंदर और स्टेट के जुडिस्टिक्शन के अंदर जो भी होगा वहां पर एड्रेस पर भेज देगी समन लेकिन मान लीजिए अगर प्रतिवादी दूसरे राज्य में रहने वाला है मान लीजिए यूपी के कोर्ट में बाद दाखिल होता है और जो बंदा जिसके खिलाफ दाखिल होता है, वो का रहने वाला है। या वो पंजाब का तो तो काम करती है अन्य राज्यों में समन देखेंगे आप लिखा इसमें, अन्य राज्यों में समन तो अन्य राज्य में जब समन भेजा जाता है तो इसका एक प्रोसीजर है धारा 28 में ये जो सिविल कोर्ट है कानपुर वाली ये क्या करेगी ये सीधे उस बंदे के घर पर समन नहीं भेजेगी अगर यहां पे होता तो उसके घर पर भेजती लेकिन चूंकि यह बिहार में या दूसरे राज्य में स्थित है तो समन उस राज्य के कोर्ट को भेजा जाएगा मान लीजिए वो पटना में रहता है तो पटना के सिविल कोर्ट को समन भेजा जाएगा मान लीजिए वो चंडीगढ़ में रहता है तो चंडीगढ़ के सिविल कोर्ट को समन भेजा जाएगा अब वो सिविल कोर्ट को जब समन जाएगा उस राज्य के तो वो सिविल कोर्ट उस समन को ऐसे मानेगी जैसे वो उसका समन है अपना समन है अगर उसका समन होता तो जैसे वो सर्व कराती ना वो वैसे ही इसको सर्व कराएगी तो क्या करेगी कोर्ट उसको कोर्ट उस समन को ले लेगी फिर जिस बंदे के खिलाफ आया है उसके घर पे भेजवाएगी जो भी प्रोसीजर है अभी हम लोग आगे देखेंगे प्रोसीजर क्या है उसी प्रोसीजर के तहत तो उसको भेजवाएगी और भेजवा करके जो भी है जब उसको सर्व हो गया पता चल गया तो ये सारी रिपोर्ट इस न्यायालय को न्यायालय भेज देगी चंडीगढ़ की न्यायालय या पटना की न्यायालय कानपुर के न्यायालय को सारा रिपोर्ट भेज देगी कि जो आपने समन हमको भेजा था उसको हमने सर्व करा दिया और ये उसका रिपोर्ट है तो सारी रिपोर्ट इसको भेज दिया जाएगा अब सेक्शन अट्ठाईस में एक और बात लिखा हुआ है कि मान लीजिए जो भेजने वाली कोर्ट है उसकी भाषा हिंदी है तो जो अपोजिट कोर्ट है जो दूसरी कोर्ट है जहां पे समन गया है वो रिपोर्ट हिंदी में ही प्रिपेयर करके भेजेगी जैसे मान लीजिए वो बंदा रहने वाला बंगाल का है फर्ज करिए आप दो मिनट के लिए अगर वो बंगाल का है तो वहां पे तो जब हम समन यहां पे यूपी से जब जाएगा बंगाल में तो उसके घर जब समन जाएगा तो तो बंगाली में जाएगा क्योंकि वो जो बंदा रहने वाला है गांव का रहने वाला इंटीरियर का है उसको तो नहीं पता है हिंदी वो बंगाली जानता है तो समन बंगाली में जाएगा वो बंगाली में सर्व भी हो जाएगा लेकिन कोर्ट जब वहां से रिपोर्ट करके कर कानपुर वाले कोर्ट को भेजेगी तो उसको ट्रांसलेट हिंदी में करेगी क्योंकि यहां पे कि यहां की भाषा हिंदी है तो उसको हिंदी में लेके आएगी और रिपोर्ट हिंदी में भेजा जाएगा तो अगर कोर्ट की भाषा हिंदी है तो रिपोर्ट हिंदी में लौट के आएगी और अगर कोर्ट की भाषा हिंदी के अलावा और कुछ भी है जैसे मान लीजिए बंगाली है असमीज है तेलुगु है तमिल है कन्नड़ है अगर कोर्ट की भाषा ऐसी है तब जो रिपोर्ट भेजा जाएगा वो हिंदी में नहीं वो इंग्लिश में भेजा जाएगा वो अंग्रेजी में भेजा जाएगा हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी में है। लेकिन अंग्रेजी मैंडेटरी अंग्रेजी में भेजेगा क्योंकि उस तो राज्यों में समन तो तो अब आप देखिए नेक्स्ट आप इसमें पॉइंट देखेंगे विदेशी समन धारा 29 विदेशी समन ये विदेशी समन क्या है धारा 29 में इसमें तीन कैटेगरी कोर्ट को बताया गया है वो न्यायालय जिसपे सीपीसी का विस्तार नहीं है कोर्ट आप सिविल प्रोसीजर का विस्तार जिस न्यायालयों पे नहीं है जैसे नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे लागू नहीं होती अगर वहां के कोर्ट को भेजना है तो ऐसे माना जाएगा जैसे वो विदेशी समन है अगर कोर्ट ऐसी है जो दूसरे देश में स्थित है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से स्थित है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से स्थित है तो वो भी ऐसी कोर्ट है जो भारत की कोर्ट नहीं वो विदेशी कोर्ट मानी जाएगी और तीसरा ऐसा है जिसको भारत सरकार ने नोटिफिकेशन में अपने लिख दिया है कि फलाफला न्यायालय विदेशी न्यायालय तो ऐसे न्यायालय को जब समझ जाएगा तो कैसे जाएगा यह पोस्टल एजेंसी से जाता है सीधे न्यायालय उस कोर्ट की पोस्टल एजेंसी जो भी होगी वहां से भेज देगी और उसके एड्रेस पर सर्व हो जाएगा और जब सर्व होगा तो एक्नोलेजमेंट जैसे हम रजिस्ट्री भेजते हैं एक्नॉलेजमेंट लौट के आता है वैसे एक्नोलेजमेंट आ जाएगा और पता चल जाएगा कि समन सर्व हो गया तो इसको हम बोलते हैं धारा धाराउंतीस विदेशी समन अब नेक्स्ट आइए आप देखिए प्रकटीकरण के लिए समन धारा तीस प्रकटीकरण इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट जैसे मान लीजिए कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है और उस मामले के निस्तारण के लिए कोर्ट को किसी दस्तावेज की जरूरत है जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं किसी जमीन का विवाद है और यह है कि भाई ये जमीन हमारी है कि उनकी है मैं कहता हूं कि नहीं नहीं जैसा जमीन हमारी है क्योंकि इसका मैंने रजिस्ट्री कराया हुआ है और रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट है हमारा रजिस्टर्ड जो जो दस्तावेज है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में है, ओरिजिनल हमको फोटो मिला हुआ है अब कोर्ट को ये वेरीफाई करना है कि असल में हमारी प्रॉपर्टी है कि नहीं है तो कोर्ट क्या करेगी कोर्ट उस रजिस्ट्रार को नोटिस भेजेगी भाई फला फला जमीन का विवाद है और इसकी रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी चूंकि आपके ऑफिस में है इसलिए न्यायालय आपको समन भेजती है कि आप उस दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में प्रस्तुत करें तो इसको हम बोलते हैं प्रकटीकरण के लिए समन चीजों के प्रोडक्शन के लिए समन तो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है एविडेंस भी हो सकता है या और कोई मटेरियल भी हो सकता है तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल्स कोर्ट में इशू समन अंडर दिस सेक्शन तो इस सेक्शन में ये बात है तो अब वो भेजेगी तो उस ऑफिस की जिम्मेदारी है कि उस डॉक्यूमेंट को ले आएगा ले आकर न्यायालय में सबमिट करेगा यह उसकी जिम्मेदारी है तो यह है धारा तीस प्रकटीकरण के लिए समन अब आगे आप देखेंगे धारा एकतीस साक्षी को समन साक्षी का मतलब विटनेस तो विटनेस को जब समन भेजना है तो यह है धारा एकतीस अब विटनेस को जब समझ जाएगा तो इसमें सारे वही रूल लगेंगे जो अभी हम लोगों ने सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस में देखा है अगर वो विटनेस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहने वाला है तो सत्ताईस लगेगा अगर वह कोर्ट अन्य राज्य में रहने वाला है तो अट्ठाईस लगेगा अगर वह विदेशी राज्य के ज्यूरिस्डिक्शन में रहता है तो उन्तीस लगेगा तो सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस का प्रोसीजर विटनेस के लिए भी फॉलोअप किया जाएगा जो अभी हम लोगों ने देखा अगर अपने जगह है तो कोर्ट उसके सीधे घर पर भेज देगी अगर वो दूसरे राज्य में है तो दूसरे राज्य के कोर्ट को भेजेगी वो कोर्ट उसको सर्व करा के रिपोर्ट भेजेगी और विदेशी है तो अकॉर्डिंगली पोस्टल एड्रेस से घर पे जाएगा तो ये है साक्षियों को समन और लास्ट सेक्शन इसमें है अगर आप देखेंगे व्यतिक्रम के लिए दंड धारा 32 व्यतिक्रम के लिए दंड ध्यान दीजिए अब जैसे मान लीजिए धारा 30 में था जो था वो प्रोडक्शन के लिए समन इशू हुआ था कोर्ट ने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए समन इशू कर दिया था कि भाई आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए और वो बंदा जिसको भेजा जाता है वो नहीं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है वो फेल कर जाता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में या कोर्ट के समन को दबा के बैठ जाता है कहता है छोड़ो हम 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 नहीं नहीं हम देते हम नहीं सबमिट इनको देते हैं देंगे डॉक्यूमेंट क्यों हम दे, देने जाए अगर इस तरीके की बात करेगा तो धारा बत्तीस में दंड की व्यवस्था है क्या दंड की व्यवस्था है इसमें इसमें कई बातें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर फर्स्ट कर रहा है कि कोर्ट उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है गिरफ्तार कर सकती है दूसरा ये लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच करके कर दिया जाएगा और प्रॉपर्टी को सेल आउट भी कर दिया जाएगा क्योंकि ऐसा काम करता है कि न्यायालय के आदेश को नहीं मानता है तीसरा लिखा हुआ उसके ऊपर फाइन इंपोज करी जा सकती है जो फाइन पांच हजार रुपए से ज्यादा नहीं होगी तो फाइन इम्पोज करी जा सकती है उसके ऊपर और चौथा लिखा है कि अगर वह डिफॉल्ट करता है सिक्योरिटी फर्निश करने में तो उसको सिविल प्रिजन में डाल दिया जाएगा तो ये चार तरीके के दंड की व्यवस्था इसमें से कोई भी दंड कोर्ट उसके ऊपर अधिरोपित कर सकती है अगर वह समन के कंप्लायंस में जो धारा तीस में था प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए अगर वह नहीं देता है तो उसको इस तरीके का कोई भी दंड दिया जा सकता है ये धारा बत्तीस में लिखा हुआ है अब धारा बत्तीस एक अपने आप में बड़ी अजूबी धारा है अजूबी इसलिए है कि फाइन इंपोज करने का पावर क्रिमिनल कोर्ट को होता है अगर आप देखेंगे क्रिमिनल कोर्ट जेल में डाल सकती है क्रिमिनल कोर्ट फाइन इंपोज कर सकती है सिविल कोर्ट के पास ये पावर नहीं होता सिविल कोर्ट क्या कर सकती है मैक्सिमम कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड कर सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकती लेकिन यहां पे धारा बत्तीस में ये एक सिविल कोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट का पावर दिया गया है जहां पे वो सिविल क्रिमिनल कोर्ट की तरह से फाइन इंपोज कर देगी उस बंदे पे जिसने डिफाल्ट किया है जिसने व्यतिक्रम किया है तो ये धारा बत्तीस बड़ी अपने आप में अजूबी है जिसमें अरेस्ट और डिटेंशन का पावर है सिविल कोर्ट को जिसमें फाइन इंपोज करने का पावर है सिविल कोर्ट को तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीसी में कौन ऐसे प्रावधान है जिसमें सिविल कोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट का पावर दिया गया है कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस आपके दिमाग के और डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहां पे इम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये धारा बत्तीस है जिसमें सिविल कोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट के बराबर पावर दिया गया है जिसमें सिविल कोर्ट फाइन भी इंपोज कर सकती है अरेस्ट डिटेन भी कर सकती है और सिक्योरिटी फर्निश करवा सकती है प्रिजन में डाल सकती है ये सारे क्रिमिनल कोर्ट के पावर इसको दिए गए तो ये था धारा बत्तीस तो कुल मिला के जो ग्रुप आपसे एक संस्था इसमें हम लोगों ने ये चार पांच बार देखा हम लोगों ने देखा कैसे मैं इसको समराइज कर दूं फटाफट क्या हम लोगों ने देखा धारा 27 में क्या देखा हम लोगों ने जैसे ही मुकदमा इंस्टीट्यूट किया जाएगा मुकदमा इंस्टीट्यूट करने के 30 दिन के अंदर न्यायालय अपोजिट पक्षकार को समन भेजेगी अपोजिट पक्षकार को जब समन भेजेगी तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना जवाब लेकर के कोर्ट में आएगा वो बात की बात है अभी हम लोग देखेंगे धारा अट्ठाईस बोल रहा है कि अगर वह अपोजिट पक्षकार दूसरे राज्य का रहने वाला है तब उस राज्य के कोर्ट को समन जाएगा और वो कोर्ट सर्व कराएगी सर्व करा के इस न्यायालय को भेजेगी अब लैंग्वेज का कॉन्स्टेंट और स्ट्रेंड जो था वो मैंने आपको बता दिया कब हिंदी में कब हिंदी या अंग्रेजी में ये सब सारी बात ऐसे भेज दिया जाएगा इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अगर वो विदेशी समन है वो दूसरे राज्य में रहता है और दूसरे राज्य में उसको भेजना है समन तब कैसे जाएगा तो उसके पोस्टल एड्रेस पे जाएगा आगे बोल रहा है है कि अगर प्रकटीकरण के लिए है, धारा तीस में तो डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए समझ जाएगा और इकतीस बोलता है साक्षियों को समझ जाएगा बत्तीस बोलता है अगर प्रकटीकरण में डिफॉल्ट कर देता है तो उसके ऐसे दंड की व्यवस्था है तो ये सारे ग्रुप ऑफ सेक्शन इसकी बात करें मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे सेक्शंस और धाराएं जो थे समन से संबंधित ये आपको कुछ समझ में आई होंगी अब आगे हम लोग आदेश पांच की बात करते हैं जिसमें प्योरली प्रोसीजर की बात किया गया है कि चलिए ठीक है चाहे प्रतिवादी को भेजना है विटनेस को भेजना है विदेशी समन है अन्य राज्य में समन है प्रकटीकरण के लिए समन है ये जाएगा कैसे इसका तरीका क्या है तो इसके लिए आदेश पांच में व्यवस्था है नेक्स्ट स्लाइड आप देखें उसमें मैंने बताया है देखो समन आदेश पांच इस आदेश पांच में तीस रूल है अगर आप देखेंगे तो तीस रूल है इस तीस रूल को मैंने दो भाग में बांटा हुआ है स्लाइड पे आप ध्यान से देखेंगे समनों का निकाला जाना नियम एक से लेके आठ तक और समनों की तामील नियम नौ से लेके तीस तक तो ये दो भाग में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि समनों का निकाला जाना समन को निकालने की क्या प्रक्रिया है तो ये नियम एक से लेके आठ तक में वर्णित है इसको हम लोग एक एक करके पहले देखते हैं इसके बाद हम लोग कैसे समन सर्व किया जाएगा इसको बाद में देखेंगे जो रूल नौ से लेकर तीस तक है तो अभी रूल एक से आठ पे आइए समनों का निकाला जाना ध्यान दीजिए लिखा हुआ है आदेश पांच के नियम एक में यह लिखा हुआ है कि फ्रॉम द डेट ऑफ दस्टीट्यूशन ऑफ सूट कोर्ट क्या करेगी थर्टी डेज में समन तो भेज देगी ये हम लोगों ने धारा सत्ताईस में देखा हुआ था अब जिस दिन उसको समन मिल जाएगा रूल एक क्या बता रहा है ध्यान दीजिए रूल एक धारा सत्ताईस से आगे की बात करता है ये करा है जिस दिन अपोजिट पार्टी को समन मिल जाएगा मान लीजिए उसको आज समन सर्व हो गया उसके घर पे चिट्ठी से समन चला गया या प्रोसेस सर्वर कोर्ट का चपरासी लेकर के चला गया उसको समन दे दिया आज उसको समन मिल गया अब उसको कोर्ट में में कब तक उपस्थित होना है रूल बताया गया है उसको फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन विद इन थर्टी डेज अगेन उसमें टाइम लिमिट है तीस दिन का फ्रॉम द दर्विस ऑफ समन विद इन थर्टी डेज उसको कोर्ट में उपस्थित होना है और कैसे उपस्थित होना है उस समन में लिखा होगा क्या लिखा होगा आपके खिलाफ किसने मुकदमा किया है आपके खिलाफ क्यों मुकदमा किया गया है और आपको न्यायालय में कब आना है और आपको न्यायालय में क्या लेके आना है यह सब समन में लिखा होगा तो जो भी समन में लिखा हुआ है उस सबको कंप्लाई करेगा उसी दिन के अंदर जितना दिन उसको प्रिस्क्राइब किया गया है तो 30 दिन मैक्सिमम एसीपीसी बताती है 30 डेज के अंदर वो आएगा न्यायालय में जो भी बात उसके खिलाफ दाखिल हुआ है उसमें बचाव में जो कहना है वो कहते हुए एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा उसको लेके आएगा उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट ये सीपीसी के आदेश आठ में लिखा हुआ है तो डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करेगा और तैयार करके न्यायालय में तीस दिन के अंदर आएगा अब मान लीजिए उसको समन आज सर्व हो गया वो सोच रहा है कि कल परसों नरसों में मैं न्यायालय में अपना डिफेंस लेकर के जाऊंगा लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसा कारण आ गया कि वो तीस दिन के अंदर नहीं आ पाता है मान लीजिए जो बीमार पड़ गया जी उसके घर घर में कोई ऐसी बात आ गई कि वो नहीं आ सकता उसके घर में शादी विवाह का कोई ऐसा फंक्शन हो गया कि वो बड़ा बिजी हो गया इस तरीके से मैंने ऐसी सिचुएशन जो उसके कंट्रोल में नहीं है ऐसा हो गया और 30 दिन तक वो बहुत ज्यादा डेंसली बिजी हो गया वो नहीं आ पा रहा है तो फिर आगे रूल एक में ही लिखा हुआ है कि अगर तीस दिन के अंदर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है इसको 90 दिन कर दिया है स्टेच्यूट ने और सीपीसी बोलती है कि विद इन नाइनटी डेज फ्राम डेट ऑफ सर्विस समर्थ तो अगर 30 दिन में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है अगर 30 दिन में नहीं आते हैं तो आपको कारण कोर्ट में बताना पड़ेगा क्यों नहीं आए हैं लेकिन वो 90 दिन हो जाएगा माने 30 से 60 और बढ़ गया नब्बे दिन हो गया तो नब्बे दिन के अंदर कभी भी न्यायालय में आ जाएगा और न्यायालय में आकर के अपने डिफेंस को सबमिट करेगा अब ध्यान दीजिए अगर वह नब्बे दिन में भी नहीं आता है तब क्या होगा अगर नब्बे दिन में भी नहीं आता है तो मामला एक डिसाइड हो जाएगा इसको हम बोलते हैं एक्स पार्टी डिक्री के फेवर में वादी के फेवर में एक तरफा निर्णय हो जाएगा क्योंकि अपोजिट पार्टी कोर्ट में नहीं आ रहा है हालांकि उसको समन मिल गया है तो कोर्ट तीस दिन वेट करेगी तीस दिन के बाद 90 डेज वेट करेगी मैंने 30 से 60 और वेट करेगी और इसके बाद भी वो नहीं आते हैं और कोई रीजन भी नहीं बताते हैं उनका प्लीडर और एडवोकेट भी नहीं आता है तो उनके खिलाफ एक्स पार्टी निर्णय हो जाएगा लेकिन इसमें एक बात है एक बड़ा लीडिंग केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसको हम बोलते हैं कैलाश वर्सेस ननकू बड़ा लीडिंग केस है 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था इसमें उच्चतम न्यायालय क्या बोलती है उच्चतम न्यायालय बोलती है कि अगर वह 90 डेज में भी नहीं आता है मान लीजिए उसको सीवियर पेन है उसको बहुत ज्यादा ऐसी बीमारी है कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है और डॉक्टर ने उसको छह महीने का रेस्ट कर दिया है तो नब्बे दिन तो तीन ही महीना हुआ तो छे महीने में तो उसको एक सौ अस्सी दिन चाहिए जबकि इंस्टीट्यूट उसको नब्बे दिन का ही टाइम दे रहा है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कोई बात नहीं है जब वो ठीक होगा तो नब्बे दिन के बाद भी आ सकता है लेकिन नब्बे दिन के बाद, बाद जब वो आएगा तो रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपी के साथ आएगा अब नब्बे दिन के बाद आकर के फिर से वो टाइम मांगेगा तो उसको टाइम नहीं दिया जाएगा ये एकदम क्लियर गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की नब्बे दिन के बाद आएगा और रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपी के साथ आएगा और ले आकर के रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपी देगा और सफिसियंट काज बताएगा पर्याप्त कारण बताएगा कि जज साहब क्यों मैं तीस दिन में नहीं आ पाया फिर मैं नब्बे दिन में नहीं आ पाया और क्यों मैं इतने दिन के बाद आ रहा हूं तो ये पूरा वो कारण बताएगा और बता करके वो अपना बचाव ले बताकर के प्रस्तुत कर देगा अब वो बचाव प्रस्तुत कर देगा तो कोर्ट कहती है सुप्रीम कोर्ट उसके बचाव को आपको ले लेना है हालांकि टाइम उसका भी दिया था लेकिन आपको ले लेना है क्योंकि उसके सफिशियंट है पर्याप्त कारण है न्यायालय में नहीं आने का तो ये है रूल एक ध्यान दीजिए अब इस रूल एक में और एक बात कही गई है कि मान लीजिए सूट इंस्टीट्यूट होता है अपोजिट पार्टी के खिलाफ और वो अपोजिट पार्टी अपने से ही न्यायालय में आ जाती है और आकर के प्लेंटिव के सारे क्लेम को एक्सेप्ट कर लेती है मैं कहता हूं न्यायालय में कहता हूं जज साहब ये पेन हमारी है और अपोजिट पार्टी मिस्टर एक्स के खिलाफ मैं मुकदमा दाखिल करता हूं मिस्टर एक्स न्यायालय में आता है कहता है कि हाँ जज साहब ये ना तिवारी जी की पेन है अगर ऐसा वो बोल देता है तो फिर समन भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि समन हम क्यों भेजे हैं इसलिए भेजे है कि अपोजिट पार्टी आएगा हमारे क्लेम को डिनाई करेगा या एक्सेप्ट करेगा जैसा भी लेकिन वो खुद अपने से आ गया बिना बुलाए आ गया और आके वो सारी बात एक्सेप्ट कर रहा है कर रहा है हाँ, ये तो नहीं की है तो जब वो एक्सेप्ट कर लिया तो इसी आधार पर डिसीजन हो जाएगा अब इसमें समन भेजने की जरूरत नहीं है तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर डिफेंडेंट अपने से आ जाता है एंड ही एक्सेप्टेड द्लेंटिव क्लेम तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि समन उसको भेजना ही पड़ेगा ठीक है ना तो ये लिखा हुआ है रूल एक में अब आ जाइए रूल दो में ध्यान दीजिए रूल दो में नियम दो में क्या लिखा हुआ है आगे धारा आदेश पांच बोलता है कि ये जो समन होगा ना समन के साथ प्लेट की कापी अनेक्स करके जाएगी ध्यान दीजिए जो वादी है जैसे मान लीजिए पेन के लिए मैंने मुकदमा दाखिल किया तो मैं अपना क्लेम लिखाऊंगा कि ये 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 बात है मैं सारी बात लिखाऊंगा जब समन अपोजिट पार्टी को जाएगा जिसके खिलाफ मैंने मुकदमा दाखिल किया है तो हमारी प्लेंट की कापी भी उसमें स्टेपल कर दी जाएगी और ऊपर से समन चिपका दिया जाएगा और उसको समन दिया जाएगा माने जब वो समन पढ़ेगा कि न्यायालय से हमको बुलावा पत्र आया है तो उसको ये भी पता चलना चाहिए ये बुलावा पत्र क्यों आया है हमारे खिलाफ किसने मुकदमा किया है और उसने मुकदमे में क्या क्या बात हमारे खिलाफ कही है इसके लिए पूरे प्लैंट की कापी समन में अटैच करके जाती है उसको अब समन में वो अटैच करके उसके पास चली गई अब वो देख लेगा कि भाई हमारे क्या क्लेम है और अकॉर्डिंगली वो अपना डिफेंस तैयार करेगा मैं पेन के लिए बोलता हूँ या मैं और किस चीज़ के लिए बोलता हूँ तो उसी हिसाब से वो डिफेंस तैयार करेगा तो इसीलिए उसको प्लैट की कापी उसमें एनेक्स करके जाती है और ये जो समन होगा ये जज के द्वारा साइंड होगा और उस पर न्यायालय की सील लगी होगी तो ऐसे कर कर, कर समन वहां पे जाता है अपोजिट पक्षकार को अब ध्यान दीजिए जब समन जाता है ना तो इसमें दो बातें हैं कभी कभी कोर्ट कहती है कि पर्सनल अपियरेंस डिफेंडेंट का आवश्यक है माने समन जाता है तो डिफेंडेंट को पर्सनली न्यायालय में आना पड़ेगा डिफेंस को लेकर के और कभी कभी कोर्ट कहती है कि चलिए आप पर्सनली नहीं भी आएंगे अगर अपने प्लीडर के भी, के थ्रू थ्रू भी भी एडवोकेट आते आ जाते हैं तभी काम चल जाएगा तो दो बातें पर्सनल ध्यान दीजिए आगे रूल्स में बताए गए मैं रूल का नंबर पूरा नहीं बता रहा हूं आपको कंफ्यूजन हो जाएगा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अब ध्यान दीजिए पर्सनल अपियरेंस ऑफ दी अपोजिट पार्टी कभी कभी कोर्ट कहेगी कि अपोजिट पार्टी का पर्सनल अपियरेंस होगा और कभी कभी कोर्ट पर्सनल अपियरेंस डिस्पेंस भी कर सकती है अब जैसे मान लीजिए वो जो अपोजिट पार्टी है वो कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में रहता है ध्यान दीजिए कोर्ट के अधिकारिता के अंदर रहता है मान लीजिए कानपुर सिविल कोर्ट ने समन भेजा और वो बंदा भी उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कानपुर के अंदर ही कहीं निवास करता है तब कोर्ट उसका पर्सनल अपियरेंस इंश्योर कर सकती है और कंपेल कर सकती है कि आपको पर्सनली आना पड़ेगा क्योंकि आप तो हमारे जुरिस्डिक्शन में ही रहते हैं दूर तो आप है नहीं तो आप खुद आइए और आकर के अपना डिफेंस प्रस्तुत करिए लेकिन मान लीजिए वो कोर्ट के जो के बाहर है वो कानपुर का एडजेसेंट कोई डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहता है दूर है वो इनके टेरिटोरियल के बाहर है तब कोर्ट उसका पर्सनल नहीं भी कर सकती है तब वहां कोर्ट नहीं करेगी उसको उसको छोड़ देगी उसको देगी, चलो तुम प्लीडर के थ्रू आओ जब जरूरत होगी तो हम तुमको बुला लेंगे तो उसको नहीं हमेशा बुलाया जाएगा अब एक इसमें बात लिखी हुई है कि अगर मान लीजिए वो कोर्ट के जो रिस्डिक्शन के बाहर तो है लेकिन कोर्ट हाउस से उसके रेजिडेंस की दूरी पचास मील या उससे कम है ध्यान दीजिए पचास मील या उससे कम हालांकि कोर्ट के जोरिस्डिक्शन से बाहर है लेकिन उसका डिस्टेंस तो जो रेजिडेंस का है और कोर्ट का जो ऑफिस है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पचास मील या उससे कम है तो फिर भी कोर्ट उसका पर्सनल अपियरेंस कंपेल कर सकती है हालांकि उसके जोरिस्डिक्शन से बाहर है लेकिन अगर पचास मील से ज्यादा है तब क्या है तब इसमें एक और रूल है कि अगर उसका घर और कोर्ट हाउस दोनों के बीच में 200 माइल का डिफरेंस है 200 सौ का डिफरेंस है और 200 मील का पांच बटा छ जर्नी के लिए उपलब्ध है माने पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल है पांच बटा डिस्टेंस के लिए माने जितना भी पूरा डिस्टेंस हुआ उसमें फाइव बाई 6 निकाल लीजिए जितना डिस्टेंस हो गया उतने में जर्नी के लिए अवेलेबल है बस भी चलती है ट्रेन भी चलती है पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल है ऑटो रिक्शा सब चलता है एक बटा छ में हालांकि नहीं है तो फिर भी कोर्ट उसमें पर्सनल अपियरेंस उसका कंपेल कर सकती है दो सौ माइल तक लेकिन दो सौ माइल तक तभी जब पांच बटा छ में एटलीस्ट कम से कम पांच बटा छह में पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल होगा तब लेकिन मान लीजिए वो 200 माइल से भी दूर रहता है कोर्ट हाउस से तब उसका पर्सनल अपियरेंस कोर्ट कंपेल नहीं करेगी तो ये तीन चार बातें हैं अगर कोर्ट के जुरिस्टिक्शन में है तब डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है उसका पर्सनल अपेयरेंस कोर्ट कंपेल कर सकती है अगर कोर्ट के जोरिस्टिक्शन के बाहर रहता है तब डिस्टेंस आएगा इसमें पचास मील या उसके अंदर है तो फिर भी वो कंपेल कर दिया जाएगा अगर वो दो सौ मील या उसके अंदर है लेकिन पांच बटा छह पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल है तो फिर भी उसका अपेयरेंस कंपेल कर दिया जाएगा लेकिन दो सौ मील से ज्यादा है तो पब्लिक कन्वेंस का ध्यान नहीं रखा जाएगा और कोर्ट उसको कंपेल नहीं करेगी तो ये लिखा हुआ है फर्दर रूल में कि ऐसे करना है इसको तो ये जो रूल हम लोगों ने देखा रूल एक दो तीन चार पांच छह सात आठ है सारा का क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं तो इस सब में ये लिखा हुआ है कि ये समन का प्रारूप होगा और समन ऐसे जाएगा इतने दिन में जाएगा अपोजिट पक्षकार को इतने दिन में अपनी रिप्लाई देनी है समन के साथ प्लेंट की कॉपी लगा करके जाएगी और उसका पर्सनल अपियरेंस कब कंपेल किया जाएगा कब नहीं कंपेल किया जाएगा ये था रूल एक से लेके आठ तक अब आगे हम लोग देखते हैं कि समनों की तामील कैसे होगी ये रूल नौ से लेकर तीस तक है समनों की तामील आप स्लाइड पर देखेंगे नियम नौ से लेकर तीस तक समनों की तामील तो अब समन की तामील करानी है अब ध्यान दीजिए रूल नौ पे आइए रूल नौ क्या बोल रहा है वो न्यायालय जिसमें मुकदमा दाखिल हुआ है उसको अपोजिट पक्षकार को समन भेजना है रूल नौ कह रहा है कि भाई समन भेजना है तो कैसे जाएगा तो कई तरीका उसमें बताया गया है या तो आप प्रोसेस सर्वर से भेजिए प्रोसेस सर्वर का मतलब हर न्यायालय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समन सर्व करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं उनका काम ही है वो समन जब न्यायालय में इशू करेगी तो ले जाएंगे जिसका एड्रेस है उसके घर पे ले जाएंगे उसको देंगे वहां से रिसीविंग उसकी लेंगे और न्यायालय ले के न्यायालय में सबमिट करेंगे ऐसे बंदे को हम प्रोसेस सर्वर कहते हैं तो प्रोसेस सर्वर इसको लेके जाएगा सर्व कराएगा एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका है पोस्टल एजेंसी तो आप रजिस्टर्ड लेटर से भेज दीजिए स्पीच पोस्ट से भेज दीजिए फैक्स से भेज दीजिए आप मेल से भेज दीजिए इवन व्हाट्सअप भी रिकॉग्नाइज किया गया है बहुत हद तक इससे भी आप भेज दीजिए जो भी टेलीकम्युनिकेशन और जो फास्ट जो मीडिया के जमाने में अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बहुत ही बढ़ गया तो उस सब को रिकॉग्नाइज किया गया इस तरीके से आप समन भेज सकते हैं यह तरीका है तो यह रूल नौ में बताया गया ऐसे आप भेज सकते हैं आप क्वेश्चन यह है कि जैसे मान लीजिए प्रोसेस सर्वर लेकर के जाएगा या पोस्टल एजेंसी से जाएगा तो इसका पैसा कौन देगा क्योंकि प्रोसेस सर्वर लेके जाएगा तो किराया लगेगा पोस्टल एजेंसी से आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे सौ पचास रुपया लगेगा ये पैसा कौन देगा तो इसमें लिखा हुआ है वादी इसका पैसा देगा जिस बंदे ने मुकदमा इंस्टीट्यूट किया है ना वो समन का खर्चा कोर्ट में पहले जमा करेगा जो भी खर्चा है पॉसिबल जो भी एक्सपेंसेस है वो पासिबल एक्सपेंसेस पहले कोर्ट में जमा करेगा और तब कोर्ट ये समन को करेगा। ऐसा नहीं है जैसे अपने पॉकेट से पैसा खर्च करेंगे ना ये उसी बंदे को देना पड़ेगा जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया है क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन होगा तो डिसीजन में जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी जिसने सूट फाइल किया है उसको मिलेगा जो खर्चा उर्चा उसका लगा है वो भी न्यायालय दिलवाती है उसके लिए भी प्रावधान है आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे तो चूंकि पूरा फ्रूट्स आपको लेना है मामले का तो आप ही को देना पड़ेगा पैसा तो पैसा आप देंगे और पैसा जब देंगे तो कोर्ट समन उसको इशू करेगी तो समन उसको ऐसे चला जाएगा तो चाहे पोस्टल का खर्चा है सर्वर का खर्चा है आपको जमा करना पड़ेगा तो ये रूल अब एक है रूल रूल अब कैपिटल ए आगे वाला रूल ध्यान दीजिए उसको बोलते हैं दस्ती समन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दस्ती समन का मतलब समन जो है प्लेंटिव को ही पकड़ा दिया जाएगा वादी को ही पकड़ा दिया जाएगा और वादी से कहा जाएगा कि भाई तुम ले जाओ सर्व करा दो क्योंकि तुम जानते हो ना डिफेंडेंट को कहेगा हाँ हाँ हम तो अपोजिट पार्टी को जानते हैं वो हमारा पड़ोसी है तो कोर्ट कहेगी ठीक है तो ले जाना उसको दे देना तो ये दस्ती समन है तो प्लेंटिव ले जाके उसको सर्व करा देगा लेकिन प्लेंटिव कभी कभी बदमाशी कर देता है क्या करेगा प्लेंटिव लेके तो जाएगा लेकिन उसको सर्व नहीं कराएगा और आकर के दूसरे दिन कोर्ट में कहेगा कि जज साहब मैं लेके गया था ना कर है कि नहीं लेंगे जाओ जाके कोर्ट में बता देना जो मन करेगा वो न्यायालय हमारा कर लेगी ऐसा कहेगा वो ऐसा क्यों कहेगा उसका रीजन है अगर वो ऐसा कहेगा तो ऐसा होगा कि समन उसको नहीं सर्व होगा और समन नहीं ले रहा है तो पूरा का पूरा मामला एक तरफा डिसाइड हो जाएगा और एक तरफा डिसाइड होगा तो ये वादी को फायदा हो जाएगा तो इसलिए वादी ये बात का झूठ भी बोल सकता है तो इसलिए इसमें एक प्रिकॉशन रखती है सीपीसी कहती है अगर दस्ती समन आपको भेजना है तो दस्ती समन के साथ दस्ती समन एडिशनल मोड है ये एक्सक्लूसिव मोड नहीं है एडिशनल मोड है 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 माने आपको तो 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 भेजना ही भेजना भेजना तो भेजना ही ही प्रोसेस सर्वर से मैंडेटरी प्रोसीजर इन एडिशन टू दैट एडिशनल मोड है इन एडिशन टू दैट अगर कोर्ट को लग रहा है तो कोर्ट में सब दिस समन बाय दस्ती प्रोसीजर तो कोर्ट इसको प्लेंटिव को भी दे सकती है लेकिन केवल प्लेंटिव को ही देगी और ऐसे ही सर्व कराएगी ना सीपीसी इसको मना करती है कहती है नहीं आपको रूल नाइन फॉलो करना है मन करे एडिशनल रूप में नाइन ए को भी फॉलो कर लो और दस्ती समन भी भेजवा दो क्योंकि प्लेटिव को करके अगर चुप हो जाएंगे तो यहां पे इनजस्टिस हो जाएगा तो इसको बोलते हैं ए और ये इस प्रोसीजर से समन समन अपोजिट अपोजिट पार्टी पार्टी को को जाता है है अब ध्यान दीजिए जा रहा मान लीजिए प्रोसेस सर्वर लेके जाता है या डाकिया लेकर के जाता है और वो जो बंदा जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ है वो तो घर पर नहीं है लेकिन उसके घर में कोई फैमिली मेंबर है तो क्या प्रोसेस फैमिली मेंबर को समन दे दिया जाए तो उसमें लिखा हुआ है एडल्ट फैमिली मेंबर को दिया जा सकता है ध्यान दीजिए वयस्क फैमिली मेंबर को मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है लड़की लड़का कुछ भी हो सकता है औरत पुरुष कुछ भी हो सकता है लेकिन वो एडल्ट होना चाहिए उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए तो एडल्ट मेंबर को भी दिया जा सकता है कोई जरूरी नहीं है कि उस बंदे को ही पकड़ाया जाएगा क्योंकि बहुत समय ऐसा होगा कि वो बंदा ऑफिस में काम करता है जब भी कोर्ट जाएगी जब भी प्रोसेस सर्वर जाएगा या डाकिया जाएगा तो ऑफिस में होगा तो कितनी बार जाएगा और जितनी बार जाएगा उसका खर्चा प्लेंटिव को देना पड़ेगा तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि आप कोई बात नहीं है एडल्ट मेंबर को दे दीजिए अगर मान लीजिए उसके घर में सर्वेंट है तो क्या सर्वेंट को फैमिली मेंबर मानेंगे सीपीसी इसको क्लियर कर दिया कहते हैं ना सर्वेंट फैमिली मेंबर नहीं है चाहे वो सर्वेंट आपके घर में बचपन से रह रहा है नौकर आपके घर में बचपन से रह रहा है फिर भी वो फैमिली मेंबर नहीं है तो फैमिली मेंबर का मतलब फैमिली मेंबर ही होता है जो फैमिली के डेफिनेशन है कानून में वही मेंबर होना चाहिए वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है लेकिन एडल्ट होगा तो आप उसको भी दे सकते हैं उसको भी दिया गया समन ऐसे माना जाएगा जैसे प्रतिवादी का समन है ठीक है ना ये चीज है आगे कराए कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा प्रतिवादी हैं मान लीजिए मैं प्लेटिव हूं मैंने जो सूट फाइल किया है चार लोगों के खिलाफ फाइल किया है तो ये जो समझ जाएगा ना ये चारों लोगों को अलग अलग, अलग जाएगा चारों लोगों को अलग अलग जाएगा ईच एंड एवरी डिफेंडेंट को जाएगा ऐसा नहीं है कि केवल एक को भेजेंगे और कहेंगे सबको बता देना ऐसा नहीं है सबको अलग अलग समझ जाएगा और सबका खर्चा प्लेंटिव देगा तो सारे डिफेंडेंट को जाएगा ये लिखा हुआ है अगर एक से ज्यादा है तब अब एक इसमें बात है कि जैसे मान लीजिए उसके घर का तो कोई नहीं मिलता है लेकिन उसका एजेंट मिल जाता है उसका एजेंट है मान लीजिए कोई बिजनेस व्यापार करता है और उस बिजनेस व्यापार से संबंधित ही झगड़ा है और उस बिजनेस का एक एजेंट हो रखा हुआ है तो एजेंट मिल जाता है और प्रोसेस सर्वर जब लेके जाता है डाकिया ले जाता है तो एजेंट उसका मिल जाता है एजेंट को भी आप दे सकते हैं क्योंकि एक लॉ में प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं नोटिस नोटिस टू टू एजेंट इज प्रिंसिपल मैंने एजेंट को सूचना दिया जाना ऐसे माना जाता है जैसे मुख्य बंदे को सूचना दे दी गई यह कानून का नियम है तो इसलिए आप एजेंट को भी दे सकते हैं कि एक एजेंट भी ट्रीटेड है पार्टी तो उसको भी आप दे सकते हैं यह भी उसमें लिखा हुआ है तो ये सारे प्रोसीजर हैं किसको जाएगा और कैसे जाएगा ठीक है अब ध्यान दीजिए एक बात अब मान लीजिए लेके जाता है तो जब ये लेके जाता है और उसके घर पे पहुंचता है और पकड़ा देता है फैमिली मेंबर को या किसी लोगों को या उसको कैसे पता चलेगा यही उसका घर है ये कैसे पता चलेगा या उसको ये कैसे पता चलेगा यही इसके घर का फैमिली मेंबर है मान लीजिए उसके घर में से कोई निकलता है लेकिन पड़ोसी उसके घर में आया है घूमने के लिए थोड़ी देर और तो निकलता है और वही ले लेता है और लेकर के अपने घर चला जाता है उसको नहीं बताता है तो ये पता कैसे चलेगा उसी का फैमिली मेंबर है क्योंकि जो डाकिया गया उसका कुटुंब रजिस्टर तो लेके नहीं गया है उसको पता है इसके घर में कौन लोग हैं तो इसमें क्या कानून बोलता है इसमें कानून ये बोलता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है माने आपको पहचान करना है वहां जाने के बाद पहचान कैसे करना है आप आसपास के कोई दो चार लोग मिलेंगे तो उनसे आप पूछेंगे कि भैया ये मिस्टर श्याम के खिलाफ ये समन आया है ये मिस्टर श्याम का घर कौन है आप पूछेंगे तो एक आदमी दो आदमी से वेरीफाई करिए वो कहेगा हाँ यही वाला घर है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है तो आप घर को आइडेंटिफाई कर लिए इसके बाद जिस बंदे को आप दे रहे हैं तो आपको ये कहना पड़ेगा कि क्या इन्हीं के घर के हैं अगल बगल कोई है तो आप उससे पूछ सकते हो कि ये किसके घर के आदमी है तो बताएगा हाँ उन्हीं के बेटे हैं उन्हीं की बेटी है उन्हीं की वाइफ है उन्हीं की माँ है उन्हीं के फादर ऐसा तो आपको आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिफाई करके फिर उसको देना है और जब आप उसको देंगे तो आप उससे एक्नॉलेजमेंट लेंगे और एक्नॉलेजमेंट का मतलब स्वीकार पाया ऐसा लिखेगा वो और साइन करेगा रिसीव्ड और साइन करेगा डेट डालेगा उस खोले लेकर आप न्यायालय में सबमिट कर देंगे तो ये प्रोसीजर है अब मान लीजिए आप जाते हैं उसके घर में बंद रहता है डाकिया जाता है उसके घर में ताला बंद है एक बार गया दो बार गया तीन बार गया ताला बंद है कभी जब जाता भी है तो वो नहीं मिलता है कोई मिलता है वो कहता है कि घर तो खुला हुआ है लेकिन मैं इनके घर का नहीं हूं मैं तो नौकर हूं मैंने उनके फैमिली मेंबर भी नहीं मिलते हैं और तीन बार चार बार पांच बार हो गया एजेंट भी कोई नहीं मिलता है मैंने वो बड़ा परेशान है कोई मिलता ही नहीं है और तीन चार बार गया और तीन चार बार प्लेंटिव का पैसा लगा क्योंकि जब जब समझ जाएगा वो सारा खर्चा प्लेंटिव जमा करेगा तो जब नया समझ जा रहा है तो प्लेंटिव बेचारे को पैसा देना पड़ रहा है तो ये करके न्यायालय भी परेशान है कि अरे तो सर भी नहीं हो रहा है अब वो क्या करेगा ये रूल सत्रह में लिखा हुआ है वो क्या करेगा वो इसको समन को उसके घर के सामने चिपका देगा ये लिखा हुआ है उसके घर के कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ दाउस ध्यान दीजिए सहज दृश्य स्थान पे, उसके घर के सहज दृश्य स्थान पे समन को चिपका दिया जाएगा चिपका करके दो एक आदमी से इसको वेरीफाई भी करेगा जो चिपकाया है जो कोर्ट का चपरासी गया है या डाकिया गया है और जिससे वेरीफाई करेगा उनसे लिखवा भी लेगा एक लाइन किसी कागज पे कि हाँ ये आए थे समन लेकर के इनके घर पे चिपकाए हैं और उसमें साइन करवा लेगा और इसको ले आकर न्यायालय में सबमिट करेगा ताकि न्यायालय को भी पता चले कि ये प्रोसेस सर्वर ने सही में चिपकाया है दिया है कि नहीं दिया है क्योंकि कभी कभी प्रोसेस सर्वर भी बदमाशी कर देते हैं ये देते ही नहीं है और जो अपोजिट पार्टी है इनको सौ पचास रुपया पकड़ा देती है कहती है कि ये ले लो और लेके चले जाओ हमको मत दो और ये झूठ मुठ के क्या कोर्ट में कि समन सर्व हो गया और जबकि उसको समन सर्व ही नहीं हुआ है अब उसको जब कभी आप एक्स पार्टी करेंगे डिसाइड करेंगे तो आगे कहेगा हमको तो समन ही नहीं सर्व हुआ आप दिखाइए कोई हमारा साइन होकर के आपके पास आया है जिससे आपको पता चले हमको सर्व हो गया है तो ये डां बदमाशी करते हैं कभी कभी प्रोसेस सर्वर बदमा करते हैं तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि आप उसमें साइन करवा के दो चार लोगों का लेके आएंगे और न्यायालय में सबमिट करेंगे अब न्यायालय इंश्योर करती है कि सही में सर्व हुआ कि नहीं हुआ इसके लिए एक प्रोसीजर है रूल उन्नीस में क्या प्रोसीजर है अगर यह सर्विस का सारा कुछ एफिडेविट पे ले आके सबमिट करता है ध्यान दीजिए शपथ पत्र पे आके बताता है शपथ पत्र एक एफिडेविट है सीपीसी की आदेश उन्नेश, आदेश उन्नेश में एफिडेविट है शपथ शपथ पत्र पत्र आप सपत पत्र कैसे बनवाएंगे उसका कंटेंट क्या होगा उसमें कैसे आप चीजों को लिखेंगे यह सब प्रोसीजर है तो एक शपथ पत्र वो बनवाता है उस शपथ पत्र में सब कुछ लिखता है इस स्टैंप पे होगा वो हो, और लिख करके वो बताता है कि मैं गया था इस दिन गया था वो नहीं मिला या मिला

परीक्षा दूसरे तरीके की होती है लॉ में इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसेस सर्वर और अगर मान लीजिए ओरली आके वो कहता है एफिडेविट पे नहीं कहता है साधारण डॉक्यूमेंट पे कहता है कि हाँ हमने समन सर्व कर दिया तब क्या कोर्ट करेगी तब रूल उन्नीस में लिखा हुआ है कोर्ट सेल एग्जामिन द प्रोसेस सर्वर उसको एग्जामिन करेगी कोर्ट और कोर्ट एग्जामिन करके जानने का प्रयास करेगी ये झूठ बोल रहा है कि गलत बोल रहा है तो उसे कई क्वेश्चन क्रास क्वेश्चन पूछेगी ताकि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है कोर्ट को पता चल जाएगा तो ये रूल उन्नीस में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंगली कोर्ट सेटिस्फाई करेगी अपने आप को समन टू आपको अपोजिट पार्टी और नॉट तो ये एक बात है जो रूल उन्नीस में लिखा हुआ है अब ध्यान दीजिए ये समन में बड़ा खेल हो जाता है खेल ये होता है कि आप सुने होंगे कि तारीख पे तारीख यह तारीख पे तारीख इसलिए खतरनाक है कि समन सर भी नहीं हो जाता है पार्टी को सर भी नहीं होगा प्रोसेस सर्वर लेके जाएगा और जिसके खिलाफ लेके जाएगा वो जब देखेगा कि डाकिया आ रहा है या कोर्ट का चपरासी आ रहा है तो धीरे से घर में ताला बंद करके फरार हो जाएगा आएगा ये चला जाएगा समन मिला ही नहीं जब तक समन मिला ही नहीं तब तक उसका कोई दायित्व तो नहीं है लेकिन समन मिल जाएगा तो दायित्व बढ़ जाएगा उसका कोर्ट के सामने उसको जाना पड़ेगा सब कुछ बात है तो अगर प्रतिवादी बदमाश आदमी है वो सही में बेईमानी किया हुआ है और वो जानता है कि अगर हम न्यायालय में जाएंगे तो हम मुकदमा हार जाएंगे इस तरीके की बात है तो वो समन ही जल्दी नहीं लेगा ऐसा होता है और विभिन्न मामलों में ऐसा होता है अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये आपको दिखेगा हर जगह वो लेगा ही नहीं या प्रोसेस सर्वर को पैसा पोसा दे करके लौटा देगा कहेगा कि जाना कह देना तालाबंद था जाना कह देना नहीं पाए चाय पानी पिला दिया दस रुपया बीस रुपया दे दिया सौ रुपया दे दिया कहा चले जाओ ऐसे कर देना तो ये करके समन सर भी नहीं होता है अब जब लौट के आएगा मान लीजिए प्रोसेस सर्वर आके कोर्ट में कहता है गया नहीं पाया तो बर्डन किसका बढ़ेगा प्लेंटिव का बर्डन बढ़ जाएगा बेचारे का फिर से अब पैसा जमा करेगा फिर से समझ जाएगा तो जितनी बार नहीं होगा हर बार प्लेंटिव को कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा विद इन सेवन डेज सात दिन के अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट में कि पहला वाला समन अनसॉल्ड है इसलिए नया समन इशू किया जाए और जब अप्लाई करेगा तो उसके साथ समन का खर्चा जमा करेगा तो कुल मिलाकर के प्लेंटिव के ऊपर बड़ा बर्डन हो जाता है इसलिए एक रूल है सीपीसी में रूल बीस आदेश पांच नियम बीस आर्डर फाइव रूल ट्वेंटी इसमें है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस ध्यान दीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस आप समन अगर इस तरीके की बात है जिसमें वो समन को अवॉइड कर रहा है अपोजिट पार्टी समन को नहीं लेना चाह रहा है चीजें को स्किप कर रहा है बार बार और सारे जो पीछे के मेथड हम लोगों ने गिना वो सारा मेथड फेल हो गया वो नहीं लेता है कभी ताला बंद कभी नहीं पाया कभी घर में कोई नहीं मिला कभी एड्रेस नहीं भरी पाई हुआ इस तरीके की बात और कोर्ट भी परेशान प्लेंटी भी परेशान। तो अब इसमें रूल ट्वेंटी को अप्लाई कर दिया जाएगा रूल ट्वेंटी ऐसा है जिसमें मान लिया जाएगा कि समन हैज सर्व टू पार्टी अब अपोजिट पार्टी ये नहीं कहेगा नहीं नहीं हमको तो समन नहीं मिला ना रूल ट्वेंटी में बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है सब्सिटूटे सर्विस ऑफ समन क्या है इसमें ध्यान दीजिए पीछे का सारा मेथड फेल हो गया अब कोर्ट क्या करेगी कोर्ट प्रोसेस सर्वर से कहेगी कि तुमको क्या करना है तीन बातें हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट कोर्ट करेगी कि इस समन की कॉपी कोर्ट के सामने चिपका देगी कोर्ट हाउस के सामने समन की कॉपी चिपका दिया जाएगा point number one. Point number two, इस समन की कॉपी पक्षकार के घर के सामने चिपका देगी जहां वह ऑर्डिनरली रिजाइड कर रहा है जहां वह पर्सनली वर्क फॉर गेन और बिजनेस कर रहा है उस घर के सहज दृश्य स्थान पे, माने घर के पर पार्टा ऐसा नहीं कि घर के पीछे ले जाकर चिपका देगा या बगल में ले जाकर ऐसे जगह चिपका देगा खिड़की के नीचे जहां की दिख नहीं रहा है ऐसा नहीं है सहज दृश्य स्थान चिपका देगा तो पहले कोर्ट हाउस के सामने चिपकाएगा फिर उसके घर के सामने चिपकाएगा और तीसरा प्रोसीजर ये करेगी कोर्ट कि इसका एक पब्लिकेशन करेगी लोकल न्यूज पेपर में ध्यान दीजिए लोकल न्यूज पेपर में जिसका सर्कुलेशन जहां पे डिफेंडेंट रहता है वहां पे हो वहां पे इसको पब्लिश करा देगी और उसी भाषा में पब्लिश कराएगी जिस भाषा में वो पढ़ता लिखता और बोलता समझता है ऐसा नहीं है कि बंगाल में पब्लिश कराना है तो आपने मराठी लैंग्वेज में वहां पब्लिश करा दिया तो इसको हम नहीं मानेंगे पब्लिकेशन पब्लिकेशन का मतलब बंगाल में कराना तो बंगाली में होगा यूपी में कराना है तो हिंदी में होगा पंजाब में कराना है तो गुरुमुखी में होगा भाषा का ध्यान रखना है क्योंकि भारत बहुलता है भारत में भाषा ही बहुलता है तो भाषा ही बहुलता को ध्यान में रखते हुए प्रोसीजर ये बताती है कि उसी न्यूजपेपर में जिसका वहां पे सर्कुलेशन है और उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को वो जानता है अपोजिट पक्षकार जिस भाषा भाषी में वो है उसी भाषा में इसको पब्लिश करा देंगे तो ये तीन काम जब कोर्ट करा देगी कोर्ट के सामने चिपका दिया उसके घर के सामने चिपका दिया और लोकल न्यूज पेपर में पब्लिश करा दिया तीनों काम जब हो जाएगा जिस दिन ये तीनों काम हो जाएगा उस दिन माना जाएगा कि नाउ फ्रॉम टूडे सर्विस हैज बीन सर्व टू दी अपोजिट पार्टी वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं तो न्यूज पेपर नहीं पढ़ता हूं मैं तो नहीं पढ़ा था मुझे नहीं पता चला कब न्यूज पेपर में निकला था या हमारे घर के सामने चिपका था कोई फाड़ दिया था मुझे पता ही नहीं चला ये क्या चिपका हुआ है या कोर्ट की तरफ तो मैं गया ही नहीं हमको तो कोई नहीं बताया कोर्ट में चिपका हुआ है चूंकि तीन तीन मेथड फॉलो अप कर दिया गया है तो अब आप इस बात का डिफेंस नहीं ले सकते कि आपको जानकारी नहीं है भले आपको जानकारी हो सकता है आपको जानकारी ना हो आप उस दिन पेपर न पढ़े हो या आप घर के सामने न देखे हो या घर के सामने चिपकाते हुए कोई नोटेरियस एलिमेंट उसको फाड़ दिया हो ऐसा भी हो सकता है लेकिन कोर्ट अब क्या करेगी कोर्ट अब

तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस यहां पे समन सर्व हो ही जाएगा लेकिन क्या न्यायालय सीधे सब्स्टिट्यूटेड सर्विस पे ही चली जाए और पहले के प्रोसीजर को फॉलो ना करे क्यों ना न्यायालय सबसे पहले ये प्लेंटिव से पैसा ले करके ये तीनों काम कर दे तुरंत पहले ही डेट में और तुरंत ही सर्व हो जाएगा लेकिन इसको कोर्ट मना करती है कहती ना इसमें बड़ा पैसा लग जाता है प्लेंटिव बेचारे का क्योंकि पेपर में आप पब्लिश कराएंगे तो इतना पब्लिश कराने का बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा तो प्लेंटिव को हरस नहीं करना है हो सकता है कि बड़ा इजी मेथड से ही सर्व हो जाए तो आप हर मामले में क्यों ऐसा करेंगे तो कोर्ट कहती है नहीं ये लास्ट रिजॉर्ट है जब सारे मेथड फेल हो गए तब आप क्या कर सकते हैं आप ये काम कर सकते हैं लेकिन पहले ये काम कर देना ऐसा नहीं होगा ठीक है ना तो ये है रूल ट्वेंटी डॉक्टर सर्विस आप समन इसमें समन सर्व हो जाएगा अब आगे थोड़ा सा देखिए मान लीजिए अपोजिट पक्ष दिया जाता है ना दि जा, बिभा, समन उसको दिया जाता है और विभाग के प्रमुख के द्वारा समन उसके पास जाता है न कि इसको दिया जाएगा तो हालांकि मुकदमा इसके खिलाफ इंस्टीट्यूट हुआ लेकिन पब्लिक सर्वेंट है इसलिए समन विभाग के प्रमुख को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जाएगा अगर ये मान लीजिए मिलिट्री नेवी या एयरफोर्स का आदमी है आर्मी मैन है एयरमैन है या नेवी पर्सोनल है वहां पे कमांडिंग ऑफिसर को जाता है ध्यान दीजिए वहां पे इसको नहीं जाएगा जो उस टीम का जो उस बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर होगा समन उसको जाएगा और कमांडिंग ऑफिसर क्या करेगा वो इसको सर्व करा देगा अगर मान लीजिए ये जो अपोजिट पक्षकार है ये प्रिजन में रहता है ये जेल में बंद है तब ये जो समन जाएगा ये जेलर को जाता है ध्यान दीजिए ये उसको नहीं जाएगा ये समन जेलर को जाता है और जेलर इसको सर्व कराएगा क्योंकि ये बंदी है ये नहीं कि सीधे बंदी को ही भेज दिया जाएगा जेल के अंदर ना तो ये सारे प्रोसीजर इसमें बताए गए हैं कि अगर इस तरीके की कैटेगरी का डिफेंडेंट है तो उसको समन ऐसे जाता है ठीक है आगे देखिए आगे ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए दूसरे राज्य में भेजना है जब दूसरे राज्य में भेजना है तो उस राज्य के न्यायालय को भेजा जाएगा उस राज्य के न्यायालय को भेजा जाएगा और उस राज्य की न्यायालय ऐसे मानेगी जैसे वह समन उसी के कोर्ट का है ध्यान दीजिए अब यह नहीं है कि वो दूसरे ने भेजा हुआ है ना वो राज्य की न्यायालय ऐसे मानेगी जाएगी जैसे वो समन उसी का है अकॉर्डिंगली वो उसको सर्व कराएगा सर्व करा के रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और वो रिपोर्ट ले आकर के न्यायालय में यहां पे सबमिट कर देगा ले आकर इनको भेजवा देगा तो दूसरे राज्य में है तो ऐसे समझ जाता है अगर मान लीजिए वो जो डिफेंडेंट है वो बांग्लादेश या पाकिस्तान का रहने वाला है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी वही रूल चलेगा जो अन्य राज्यों में चलता है जैसे मान लीजिए कानपुर के कोर्ट को भेजना है पटना कोर्ट को तो जो प्रोसीजर पटना के लिए चलेगा वही प्रोसीजर बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए भी चलेगा क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी मान लीजिए इस्लामाबाद के सिविल के जोरिस्टिक्शन में रहता है तो इस्लामाबाद के सिविल कोर्ट को आपकी कानपुर की कोर्ट भेज देगी और इस्लामाबाद की सिविल कोर्ट वहां सर्व कराएगी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी यहां पे दे देगी जो भी खर्चा होगा भारत सरकार उसको वहन करेगी इस तरीके से प्रोसीजर है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी वही प्रोसीजर फॉलो होता है जो राज्यों के दशा में प्रोसीजर फॉलो होता है तो वहां पे दे दिया जाएगा अगर मान लीजिए और किसी विदेशी न्यायालय के जो रिस्ट्रिक्शन में प्रतिवादी रहता जैसे मान लीजिए अमेरिका में रहता है जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में रहता है अगर इस तरीके का प्रतिवादी है तो पोस्टल एजेंसी के थ्रू जाता है उसमें हाई कमिश्नर और एम्बेसी भी उसमें इन्वॉल्व होती है और पोस्टल एजेंसी के थ्रू चला जाता है विदेशी न्यायालय में तो विदेशी न्यायालय में ऐसे समझ जाता है तो ये सारे कई रूल्स हैं इसमें एक एक रूल मैं नहीं बता रहा हूं बड़ा लंबा हो जाएगा और इसको कंक्लूड नहीं कर पाएंगे हम टाइम से तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से समझ जाता है ऐसी कैटेगरी आप डिफेंडेंट्स के लिए अब मान लीजिए डिफेंडेंट ऐसा है जो थोड़ा मार्क ऑफ रिस्पेक्ट का आदमी है रिस्पेक्टेबल पोजिशन में है थोड़ा बड़ा ही मतलब डिग्निफाइड पोजिशन में है थोड़ा उसका पोजिशन बड़ा है तो ऐसे आदमी को जब समन भेजा जाता है तो समन न बोल करके उसको लेटर बोलते हैं लेटर एट द्लेस ऑफ समन ये लास्ट रूल है रूल थर्टी ऑफ ऑर्डर फाइव उसमें लिखा हुआ है लेटर एट द्लेस ऑफ समन टू द पर्सन जो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट का है तो उसको लेटर जाता है चिट्ठी जाती है अब चिट्ठी में क्या है देखिए लैंग्वेज तो सारी वही होगी लेकिन थोड़ा एक सॉफ्ट लैंग्वेज होती है उसमें क्योंकि वो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट का आदमी है तो उसके लिए जो भाषा होगी वो थोड़ा सा मृदुल भाषा होगी जिसको आप बोल सकते हैं मीठी भाषा मीठी भाषा में हालांकि उसको भी यही बात होगा कि आपके खिलाफ ऐसा हुआ है आप ये ये काम किए हैं आपके खिलाफ खिलाफ़ फला फला क्लेम है आपको फला फला दिन के अंदर न्यायालय में उपस्थित होना है ये सारा कोर्ट का आदेश होगा लेकिन भाषा ही थोड़ा सा अंतर होगा और इसको समन न लिख करके कोर्ट इसको लेटर लिखेगी लेटर एट द प्लेस ऑफ समन तो ये है रूल थर्टी और इस तरीके से समन ऐसे व्यक्ति को चला जाता है तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा प्रोसीजर हम लोग देख रहे हैं प्रोसीजर किस चीज के लिए है ये प्रोसीजर ये है कि भाई अपोजिट पार्टी को नोटिस होनी चाहिए कि हमारे खिलाफ मुकदमा हुआ है और तभी अपोजिट पार्टी न्यायालय में आएगी अच्छा अब ये समन का जो रिक्वायरमेंट है इसकी फिलॉसफी भी है लॉ में ध्यान दीजिए ये समन के लिए एक नेचुरल जस्टिस है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कानून में काम करता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ध्यान दीजिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट तभी प्रोसीड करेगी जब उसको सुनवाई का अवसर मिले ऐसा नहीं है बिना उसको सुनवाई का अवसर दिए कोर्ट प्रोसीड कर जाएगी अगर ऐसा कोर्ट करती है कि बिना उसको सुनवाई का अवसर दिए और उसको प्रोसीड कर जाती है उसके मामले में तो हम इसको बोलते हैं कि एक रूल का वायलेशन हो गया और उस रूल को एक लीगल मैगजिम के नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टीम ध्यान दीजिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड सुनवाई के अवसर का सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बोलते हैं उसको सुनवाई का अवसर दिया गया कि नहीं दिया गया और अगर उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तो फिर यह नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस नहीं माना जाएगा और नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस नहीं हुआ बिना नोटिस दिए अगर आपने उसके खिलाफ प्रोसीड कर गए तो इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं कानून में और इसको कभी भी चैलेंज कर दिया जाएगा और जब चैलेंज होगा तो कोर्ट इसको स्ट्रक इस डाउन भी कर सकती है इस पूरे प्रोसीजर को तो ये जो समन का प्रोसीजर है नेचुरल जस्टिस के इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हॉर्ड टू द अपोजिट पार्टी तो दूसरे व्यक्ति को जब आप अपॉर्चुनिटी आप अवसर देते हैं सुनवाई का तो अवसर देने में आपको ये काम करना पड़ेगा कि उसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपके खिलाफ क्लेम आया है ऐसे आया है और आपको न्यायालय में उपस्थित होना है आपको अपना डिफेंस लेना है जब वो डिफेंस सबमिट करेगा तो डिफेंस भी कोर्ट रीड आउट करेगी उस डिफेंस में भी उसने एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और तब कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी अब ध्यान दीजिए एक चीज मैंने थोड़ा सा इसमें बताया था कि डिफेंडेंट आ जाता है और आकर के प्लेंटिव के क्लेम को स्वीकार कर लेता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको समन दिया जाएगा वो आकर के स्वीकार ही कर लिया तो समन भेजने की कोई जरूरत नहीं है अब ध्यान दीजिए मैं कहता हूं ये पेन हमारी है और जिसके खिलाफ कहता हूं वो कोर्ट में उपस्थित हो जाता है उपस्थित होकर के कहता है हा हा ये कोर्ट तो सर की है ऐसा वो कह देता है अब ध्यान दीजिएगा क्या मैंने कहा यह पेन हमारी है उसके खिलाफ मुकदमा किया और वो खुद आ गया और वो कहता है ये पेन सर की है तो क्या इस पेन को हमारे फेवर में डिसाइड कर देगी कोर्ट बाद कोर्ट डिसाइड करने के लिए ऐसी बात नहीं है ध्यान दीजिए क्योंकि वो क्यों बोला है कि एक पेन सर की है क्यों बोला है हो सकता है ध्यान दीजिए हो सकता है वो मेरा बड़ा करीबी आदमी हो और ये पेन मेरी भी नहीं है उसकी भी नहीं है ये पेन मिस्टर ए की है फर्ज करिए दो मिनट के लिए और इस पेन के लिए मैं मुकदमा दाखिल करता हूं कोर्ट में और मैं ए को पार्टी नहीं बनाता हूं मैं जो मेरा नियर फ्रेंड है उसको पार्टी बना देता हूं और उसको समन चला जाता है या उसको समन ना जाता है वो खुद न्यायालय में चला जाता है और जाकर कहता हाँ हाँ ये तो तिवारी जी की है और ये मामला पूरा फेवर में हमारे डिसाइड हो गया क्योंकि अपोजिट पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं हो खुद करा है हमारा है तो कोर्ट इसको हमारे फेवर में डिसाइड कर देगी तो इसको हम बोलते हैं कलूसिव सूट कलूसिव सूट का मतलब कि ये 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 जो फ्रॉड वाला मुकदमा है फ्रॉड वाला मुकदमा इस सेंस में कि एक को हमने अंधेरे में रख दिया और हम दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लिए कि रोको पेन तो उसकी है, उसको तो कुछ पता है नहीं हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करते हैं और तुम सीधे कोर्ट में आ जाना और आकर के एक्सेप्ट कर लेना और जैसे ही एक्सेप्ट करोगे मामला हमारे फेवर में डिसाइड हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी वो देखते ही रह जाएगा बेचारा तब तक एक डिग्री हो जाएगी हमारे हाथ में न्यायालय की डिग्री कि ये पेन हमारी है अब वो आएगा भी तो हम कहेंगे नहीं नहीं कोर्ट तो इसको हमारे फेवर में डिसाइड किया हुआ है तो कहने का मतलब है कि पूरी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाएगी जबकि प्रॉपर्टी रियली में एक ही है इसलिए ये जो मैंने आपको बताया कि अगर डिफेंडेंट आ जाता है और प्लेंटिव को के, क्लेम को स्वीकार कर लेता है तो समन भेजने की जरूरत नहीं है तो समन तो चलो भेजने की जरूरत नहीं है लेकिन क्या कोर्ट बात दे इस मामले को हमारे फेवर में डिसाइड करने के लिए क्योंकि दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी ये ना ध्यान दीजिए कोर्ट में डिसाइड दिस मैटर इन द फेवर ऑफ प्लेंटिव साइल नहीं लिखा हुआ है कोर्ट का मन करेगा इतना उनके स्वीकार करने के बाद भी कोर्ट का मन करेगा तो हमारे फेवर में डिसाइड करेगी कोर्ट का नहीं मन करेगा तो नहीं भी डिसाइड करेगी अगर कोर्ट को लग रहा है कि अरे अरे तो फेक सूट लग रहा है ये तो दोनों का आपस में साठ गांठ लग रहा है और यह ऐसा मुकदमा है तब क्या करेगी कोर्ट तब कोर्ट कहेगी कि नहीं भाई आप तो कह रहे हो तिवारी जी की है लेकिन हमको बुलाएगी कहेगी आप साबित करिए यह पेन आपकी है अब ध्यान दीजिए अब हमको साबित करना पड़ेगा यह पेन हमारी है तो साबित करने में हमको क्या करना पड़ेगा अब हमने इसको कहीं से खरीदा है तो मैं वहां की परचेज रिसीट लेके आऊंगा मैं कहूंगा हां जैसा ये पेन हमने खरीदा है देखिए हमारे पास रिसीट है और उस रिसीट के आधार पर हमारे फेवर में डिसाइड करिए अगर इसको हमने नहीं खरीदा है तो इसको कोई हमको गिफ्ट किया है किसी अवसर पे तो मैं उसका फोटो फोटो खींच के या जो गिफ्ट किया है उसको विटनेस के रूप में बुलाऊंगा और बुला करके कहूंगा कि भाई आप बताइए कि ये आपने गिफ्ट किया है तो ये हमको साबित भी करना पड़ेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल उसके ये स्वीकार कर लेने से कि नहीं ये पेन इन्हीं का है, है कोर्ट इस पूरे मामले को हमारे फेवर में डिसाइड कर देगी ये कोई जरूरी नहीं है हमेशा का हमेशा मेरिट पे मैटर को साबित करने की जरूरत है तो ये जो समन का प्रोसीजर हम देख रहे हैं कि अपोजिट पार्टी वॉलेंटरी उपस्थित हो गया कोर्ट में और आकर के प्लेंटिव के क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया तो इस एक्सेप्ट करने से जजमेंट पे फर्क नहीं पड़ना है ये पूरा का पूरा कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है स्टेच्यूट का कोई निर्बंधन नहीं है कि स्टेच्यूट बाध्य करता है कोर्ट को कि इसी एक्सेप्टेंस के आधार पर मैटर को डिसाइड कर दिया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है हालांकि एक आदेश बारह सी सी में जो एडमिशन की बात करता है कि अगर एडमिट कर लिया गया मामला तो कोर्ट एडमिशन के आधार पर मामले को निस्तारित कर सकती है ये आदेश बारह में लिखा हुआ है लेकिन कर सकती है ये लिखा हुआ है डिसाइड द मैटर लेकिन कोर्ट को अगर लग रहा है नहीं, नहीं ये तो एक्सेप्टेंस इक्लूसिव है और ये जेनविन मैटर नहीं है तो कोर्ट नहीं भी डिसाइड करेगी हमसे कहेगी आप साबित करो इसकी ओनरशिप और जब मैं ओनरशिप साबित कर लूंगा तब हमको डिसाइड करने तब हमारे फेवर में डिसाइड हो सकता है तो ये वो बात थी जिसको मैं इंपेसाइज किया आपको जिसमें डिफेंडेंट आ जाता है वादी के क्लेम को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके क्लेम को एक्सेप्ट करने से भी मामला तुरंत निस्तारित नहीं हो जाएगा अब इसमें देखिए ये समन का जो तरीका है ये एडवर्सरी लिटिगेशन में बहुत जरूरी है देखिए पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो दो तरीके का लीगल सिस्टम है एक को हम बोलते हैं एडवर्सरी लीगल सिस्टम और दूसरे को हम बोलते हैं सिविल लीगल सिस्टम एडवर्सरी लिटिगेशन में मैटर प्रूफ होना चाहिए दूसरे के द्वारा और सिविल लीगल सिस्टम में सत्य के आधार पर डिसीजन होता है तो ये समन का जो तरीका है ये प्रूव और डिसप्रूव का तरीका है हम अपोजिट पार्टी को समन इसीलिए भेजते हैं तो अपोजिट पार्टी आए और आकर के प्लेंटिव के क्लेम को या तो स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अगर वह स्वीकार करता है तो प्लेंटिव अपना ओनरशिप प्रूव कर सकता है अगर वह अस्वीकार करता है तो डिफेंडेंट को साबित करना पड़ेगा वो प्रॉपर्टी उसकी है तो समन भेज करके साबित साबित और 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 ना प्रूव नॉट का जो प्रोसीजर है है इंडियन एविडेंस एक्ट में उसको फॉलो किया जाता है। तो ये एडवर्सरी लिटिगेशन का बड़ा फंडामेंटल कॉम्पोनेंट है तो इसलिए समन है यहाँ पे तो समन ऐसा नहीं है कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है इसके पीछे लॉ की फिलोस भी है प्रिंसिपल ऑफ एडवर्सरी लिटिगेशन तो सिंस वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एडवर्सरी लिटिगेशन एंड देयर बाई पार्टी ताकि पार्टी आए और आकर के अपने मामले के अकॉर्डिंगली स्थापित करे ठीक है ना तो ये समन के बारे में हो गया कुछ जो प्रावधान हमारे पास है वो धारा सत्ताईस से लेकर बत्तीस तक और आदेश पांच ये सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित है धारा सत्ताईस से बत्तीस के बीच में हम लोगों ने क्या देखा प्रतिवादी को समन कैसे जाएगा अन्य राज्यों में समन कैसे जाएगा विदेशी समन कैसे जाएगा डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए समन कैसे जाएगा विटनेसेस को समन कैसे जाएगा और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में अगर वो आदमी डिफॉल्ट करता है उसके लिए क्या दंड की व्यवस्था है तो ये हम लोगों ने एक ग्रुप देखा इसके बाद हम लोग प्रोसीजर में आ गए आदेश पांच में जिसमें तीस रूल का कलेक्शन है और इस तीनों तीसों रूल में ये बताया गया है कि समन का प्रारूप क्या होगा और समन सर्व कैसे किया जाएगा तो हम लोगों ने देखा कि समन का जो प्रारूप होगा वो एक फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट पे जाएगा समन के साथ प्लेट की कापी जाएगी समन न्यायालय से हस्ताक्षरित और मुहर उसकी कोर्ट की लगी होगी और समन जब उसको मिल जाएगा तो 30 दिन के अंदर उसको अपना क्लेम देना होगा 30 दिन में नहीं तो 90 दिन में देना होगा 90 दिन में भी नहीं तो कैलाश वर्सेस तनको की गाइडलाइंस फॉलो होगी और कोर्ट इस तरीके से करके उसको भेजेगी अब जब ये जाएगा कैसे तो ये प्रोसेस सर्वर लेके जाएगा डाकिया लेके जाएगा दस्ती समन जाएगा और जा करके कैसे सर्व होगा उसके घर पर चिपकाया जाएगा उसको दिया जाएगा रिसीविंग लिया जाएगा एक्नॉलेजमेंट कोर्ट में सबमिट किया जाएगा कोर्ट एक्नॉलेजमेंट उसने दिया है कि नहीं दिया है कोर्ट एग्जामिन भी कर सकती है नहीं भी एग्जामिन कर सकती है है अगर, अगर एफिडेविट पे है तो कोर्ट एग्जामिन नहीं भी कर सकती है नहीं एफिडेविट पे है तो कोर्ट एग्जामिन करेगी और करके इंश्योर करेगी सर्व हुआ कि नहीं हुआ सारा अगर प्रोसीडिंग मेथड फेल हो गया तो सब्सिटूटेड सर्विस है रूल ट्वेंटी में सब्सिट्यूटेड सर्विस में जब तीनों काम कर दिया जाएगा तो मान लिया जाएगा समन उसको सर्व हो गया और फिर भी वो नहीं आता है तो मामला एक तरफा डिसाइड हो जाएगा और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि अगर दूसरे देश में भेजना है तब पाकिस्तान बांग्लादेश में भेजना है तब विदेशी न्यायालय में भेजना है तब और बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी है तो उसको समन भेजना है तब लेटर एट द प्लेस आप समझ जाएगा जो लास्ट रूल है ऑर्डर का तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको समअप कर दिया तो हमको ये उम्मीद मैं करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कंटेंट और जो मैं बताने का प्रयास किया हमारा कम्युनिकेशन हमारा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा इस विश्वास के साथ मैं सारे जो यहां पर श्रोतागण मैं धन्यवाद करता हूँ तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं तो एक अगले मॉड्यूल की चर्चा करते हैं थैंक यू सो मच सभी लोगों को बहुत धन्यवाद और नमस्कार Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of? Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.